फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो दूध लिया है और इसको मैंने उबलने के लिए रख देना है। जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसको उबालेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी क्रश की हुई छोटी इलायची डालेंगे। मैंने 3 छोटी इलायची को कूट लिया था और उसको डाल दिया इसमें। मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है दूध के साथ। इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए दूध के साथ। यह हमारे दूध को एकदम थिक कर देगा। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए, ऐसे करके हमने ये सारा घोल बना लिया इसका और इसको दूध में डाल दिया। और हमने आधा किलो दूध लिया है तो इसमें आधी कटोरी चीनी डालूंगी और इनको अच्छे से इस दूध में मेल्ट होने देना है और एक उबाल आने तक पका लेना है। और मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, वो डालूंगी, लगभग 1 चम्मच डालूंगी। और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स होने दूंगी और एक उबाल आने तक इंतजार करते हैं। अब तब तक मैंने इसमें क्या क्या फ्रूट ऐड करने हैं वो देखिए फ्रेंड्स। मैंने 2 सेब लिए हैं, इनको काट लिया है, और 1 केला लिया है, उसको भी कट कर लिया है, और आधा अनार लिया है, उसके दाने निकाल लिए हैं, और 8-9 अंगूर के दाने लिए, इनको भी कट कर लिया है। अब हम दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। इसको आपने इंडक्शन पर रखा है और इसको चलाते रहना इस दूध को, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा कस्टर्ड हमारा। इसको ऐसे ऐसे इसको घुमाते रहना है कड़छी से और ये एकदम घना हो जाएगा हमारा। ये देखिए कस्टर्ड का जो बैटर है वो एकदम घना हो जाएगा। बस हमको इसको थिक होने तक उबालना है। ये देखिए काफी थिक हो गया और उबल भी रहा है। बस हमको एक उबाल आने तक ही इसको पकाना है। तो देखिए हमारा कस्टर्ड काफी थिक हो गया है और ये उबल भी गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम या इंडक्शन की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। या तो आप फ्रिज में रख लो या फिर इसको बाहर रख दो, फिर इसका ठंडा होने का इंतजार करते हैं। कि फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बाउल में पलट देंगे और अब हम इसमें सारे फ्रूट्स डाल देंगे। पहले मैंने अंगूर डाल दिए, फिर मैंने सेब डाल देने हैं, फिर मैंने इसमें बनाना डाल देना है, फिर इसमें मैंने अनार डाल देना है और इन सबको मैंने अच्छे से मिला लेना है। तो
लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया। आप भी अपने घर में ऐसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये ज्यादातर फेस्टिवल में बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।